राम राम सर, है ना। और चल रहे हैं अब दिल्ली, तो ये देख लो पासपोर्ट ले लिया है, ये ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट हो गया, ये अपना OCI। और मेक श्योर जिस पे भी ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट हो भाई OCI चेक करें बिना OCI के, नहीं तो फिर आपने वीज़ा वो करना पड़ेगा, वीज़ा होना चाहिए आपका इंडिया का, नहीं तो ये फ्लाइट बोर्ड नहीं करने देंगे। और दूसरा आओ कदे भी कोशिश करो, कम से कम 2-2.5 घंटे पहले आओ। जो कर मेरे इसमें पासपोर्ट में था, बोले स्कैन नहीं हो रहा, आधा घंटा ले लिया उन्हें सिक्योरिटी पर, भीतर बड़े बच्चे जो लास्ट सेट पर उस पर चेकअप करें, चेक करें ना जो अपना डालना पड़े पासपोर्ट है ना उस पर, तो समझ लो आधा घंटा लग गया। बोले भाई वो हो नहीं रहा, आपका स्कैन नहीं हो रहा, हो जाए कहीं में, तो इस करके हमेशा अपना पहले तो तैयारी करके चलना चाहिए। ये है OCI ज़रूरी है, तो बोर्डिंग करने खातर देखे हैं कि भाई आपका OCI कार्ड आपका है नहीं है, तो वो चीज़ है, थोड़ा उसका ध्यान रखना ज़रूरी है। अरे वेयर इज़ गेट नंबर 9-8 अपनी हवाई इंडिगो की है, यहाँ से पहले क्वांटस तो फिर सिंगापुर तो चेंज करनी है, फिर इंडिगो। कम दिस वे, वेयर इज़ गेट नंबर 9, वेयर, लेट्स सी। तो ये है अपना, यू नॉर्मली मेलबर्न तो ज़्यादातर इंटरनेशनल फ्लाइट चल रहे हैं टर्मिनल 2 पे, था तो ये आगे टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, ये दिन लगभग इकट्ठे से हैं। जो टर्मिनल 4 है वो थोड़ा अलग है, वो थोड़ा सा साइड में कट है, बाकी ये सारे के सारे इकट्ठे हैं, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3। ज़्यादातर टर्मिनल 2 पर आपने क्वांटस की जितनी फ्लाइट हैं वहाँ ज़्यादातर आपने इससे पैसे मिलेंगे, टर्मिनल 2 पे थे ऑस्ट्रेलिया की इंटरनेशनल फ्लाइट्स, इवन डोमेस्टिक भी इससे पता लेना पड़ा टर्मिनल 2 पे था। तो देख लो भाई बढ़िया नज़ारा है, गेट नंबर 9 दो साइड है अपना, पकड़िए पासपोर्ट, देखो इसका जूम दिखाते हैं तुम्हें, ठीक है। ये एमिरेट्स खड़ी है, तो बाकी दिखाते हैं भाई सिंगापुर आपने इसके बाद किसा है सिंगापुर। मेलबर्न का एयरपोर्ट तो खैर नॉर्मल है, इतना कुछ खास नहीं है, ये आना दिल्ली का इससे बड़ा भी है और बढ़िया भी है। एयरपोर्ट तो खैर आड़ा है सारे ऑस्ट्रेलिया के, इतना कोई खास नहीं है, मतलब बड़े का तो पता नहीं पर कोई खास नहीं है, नॉर्मल से है नॉर्मल, दिल्ली आड़ा इन तो बहुत बढ़िया एयरपोर्ट है। सिडनी का तो कुत्ती है खसड़ है, मेलबर्न का तो थोड़ा बहुत है, सिडनी का और भी खसड़ है, और ब्रिस्बेन का, पर्थ का, वह तो कतिए मतलब इसे लागेंगे अपना इंडिया के जो कि डोमेस्टिक वाले नहीं हुए कति उसे हैं, मतलब खसड़ से हैं, एयरपोर्ट तो खरी से हैं इनके, मतलब इतने कोई खास नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं या कुछ ज़्यादा कोई सिक्योरिटी मतलब फैसिलिटीज़ हैं, तो नॉर्मल है, कोई खास नहीं है देखा जाओ तो, जो नॉर्मली साझी नहीं है कि भाई अलग अलग फ्लोर हो, नॉर्मली सारा एक के उस पर है, तो ये तो ऐसा ही है। खैर बाकी दिखाते हैं आपने कुछ और तो क्या है भाई, मेलबर्न में नॉर्मली अपने यहाँ 2 एयरपोर्ट हैं, तो ज़्यादातर फ्लाइट जो उड़े हैं आपके तुला मरीन पर है, जो मेलबर्न का एयरपोर्ट है मेन, इसने कहते हैं एक एवलोन है वो वेस्ट में पड़ा है मेलबर्न के जो कर आफ्टर ऊपर क्रॉसिंग और जिलों के बीच में जो है वहाँ पड़ा है एवलोन एयरपोर्ट। तो कदे भी एवलोन की करवाओ तो ध्यान रखो, क्योंकि एवलोन सिटी तो भी दूर पड़ा है और वहाँ बहुत लिमिटेड फ्लाइट मिलेंगी, हाँ थोड़ी सस्ती मिल सके आपने, पर ज़्यादातर तो डोमेस्टिक है, पर लोग उन्हें डोमेस्टिक में भी बहुत कम यूज़ कर रहे हैं एवलोन में, क्योंकि नॉर्मली आप एवलोन जाओगे तो एक तो दूर बहुत पड़ा है, अगर सिटी तक जाओगे अगर ऊबर आवर कराओगे तो $100 लग जाएंगे और फ़ायदा भी नहीं है। मतलब मैंने एक बंदा मिला था कैनेडा का, उसने एवलोन तो करवा ली थी गलती से, तो समझ लो हम $50 उन्हें फ्लाइट में बचे बेचारे ने और $150 ऊबर में लग गए उसके, तो कोई फ़ायदा नहीं है एवलोन पर नॉर्मली।
हैं तो इंटरनेशनल भी, पर बहुत कम है। और दूसरा फ़ायदा नहीं है, तो हमेशा ध्यान रखो जब भी टिकट बुक करो तो हमेशा मेलबर्न एयरपोर्ट की करो, एवलोन एयरपोर्ट की नहीं ना, उसके आसपास कुछ है। पर आड़े तो आपने मेलबर्न तो बहुत सुविधा है, अगर आप मान लो वहाँ रहे हो ऊबर करा सको, ऊबर तो खैर उड़े मिल जाएगी, ऊबर वगैरह डीडी वगैरह, तो पर आपने आड़े तो ना स्काई बस भी मिला है, एवलोन में भी है स्काई बस, पर इब्बे चालू हुई है वहीं, और मैंने नहीं बेरा हूँ कितनी फ्रिक्वेंटली चल रहे हैं, बट आड़े तो बहुत फ्रिक्वेंट है, मतलब हर 5 मिनट में आपने एक स्काई बस मिल जाएगी। स्काई बस आप दो जगह जाओ है, मेलबर्न में जाओ सदर्न क्रॉस स्टेशन पर, आपने कड़ी भी जाना आप उड़े तो जा सको। उसके अलावा आप जैसे बाहर निकलोगे ना इस एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं मेलबर्न के, आपने मिल जाए है बस स्टैंड है, थोड़ा सा आप बाहर जाओगे, बाहर जाने के बाद बस स्टैंड पर तो आप बस भी पकड़ सको हो, जो कि बहुत चीप है। अगर वो बस पकड़ोगे तो शायद आप $5 मैक्सिमम, मतलब जो मैक्सिमम आएगा $9.40 है एक दिन का मैक्सिमम, तो एक साइड का मान लो $5 आपका कटेगा बस। स्काई बस पकड़ोगे, स्काई बस है $19 समथिंग की, तो वह सदर्न क्रॉस स्टेशन ले जाए, पर बस का नु आप तो कड़ी भी जा सको, अलग अलग हैं। PT ऐप है करके, PT उसने आप डाउनलोड कर लो, उस पर जो भी डेस्टिनेशन डालोगे वो सब दिखा देगा, कौन सी बस जाओगी, कौन सी रेल जाओगी, के जाओगा। तो नॉर्मली हमेशा ध्यान रखो अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, यहाँ कभी भी बस में हो, ट्रैम में हो, ट्रेन में हो, तो ट्रैम और ट्रेन में तो देखो कंपलसरी है आपके पास माइक ही होना बहुत ज़रूरी है, बगैर माइक की तो खैर पॉसिबल ही नहीं है। बस में भी माइक की बहुत ज़रूरी है, पर यह है कि माइक आप ले भी सको हो, कहीं बस आया दौरा खुद दौरा हुआ माइक की वहीं आप तो दे दें हैं, और आप कैश में उन्हें रिचार्ज भी कर सको। पर ट्रैम और मेट्रो में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, आपने फिर स्टेशन पर तय करवाना पड़ेगा, पर बस आले आपका रिचार्ज कर देंगे चलते चलते, बस आले के पास वो फैसिलिटी हुआ है कि आपका रिचार्ज कर देंगे, तो आपने को नहीं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है, उसमें जितने रुपये डलवाओगे जो कर $6 का पड़ा है वो, $6 का PTV ऐप PTV कार्ड, अरे भाई उसके बाद आपने उसका वो करवाना पड़ा है। आप तो दिखाता हूँ PTV ऐप तो होंगे जो कर अलग अलग है, पर PTV जो PTV ऐप को मतलब PTV कार्ड है वो आप कहीं पे भी यूज़ कर सको हो, ट्रैम में हो, ट्रेन में हो, कड़ी भी हो विद इन विक्टोरिया। अगर आप फिर और कड़ी ट्रैवल कर रहे हो तो अपना और कड़ी खतर फिर और कार्ड चाहिए, तो अलग अलग है। अपने दिखाते हैं, हाँ ये देखो यू हो PTV कार्ड, तो यू है PTV कार्ड, यू होना आपके पास ज़रूरी है अगर आप मेलबर्न में ट्रैवल कर रहे हो तो। और अगर आप ओपल कार्ड है जो कर सिडनी का, अगर न्यू साउथ वेल्स में कर रहे हो अभी तो नहीं होगा जेब में, पर जो कर अगर सिडनी में करोगे तो अलग है। अगर आप 18 साल तक कम हो तो आप हमेशा PTV का या ओपल का जो भी है वो ले सको हो, कंसेशन हो गया, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट कार्ड ले सको हो, तो उसमें ऑफ रेट हुआ है, 18 तक कम हो तो ऐसे ही ऑफ रेट है, अगर 18 तक ज़्यादा बट आप स्टूडेंट हो तो आप उसके बाद भी वो ले सको हो स्टूडेंट वाला। पर अगर कोई आपने पकड़ेगा तो आपको पूछ सके स्टूडेंट कार्ड ID कार्ड मांग सके, तो आपका स्टूडेंट ID कार्ड होना चाहिए, दैट सिटी है। पॉकी मिलते हैं भाई सिंगापुर में, सिंगापुर दिखाएँ, सिंगापुर बढ़िया है, काफ़ी बड़ा है, वो देखेंगे एयरपोर्ट।